इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगी तांडव टी की खास रेसिपी। ठाकुर कॉम्प्लेक्स में तांडव टी एनर्जी बूस्टर की शुरुआत। मुंबई सहित पूरे देश में रविवार को फादर्स डे मनाया गया। इस दिन राधिका चंद्रा ने भी फादर्स डे मनाते हुए अपने पिता के नाम कांदिवालीपुर ठाकुर कॉम्प्लेक्स स्थित तांडव टी शॉप का उद्घाटन कर पिता को समर्पित करते हुए बताया कि जिंदगी में बेटी अपने पिता को कुछ नहीं दे पाती, लेकिन पिता हमेशा अपनी बेटियों को कुछ न कुछ देता रहता है। दरअसल मुंबई सहित देश में कोरोना महामारी के दौरान इससे बचने के लिए तरह तरह के उपाय करते नजर आते हैं। कभी गर्म काढ़ा तो कभी लेमन टी और कभी इम्यूनिटी सूप लेकर कोरोना संक्रमण से बचाव के मार्ग ढूंढते रहते हैं। ऐसे में नुस्खा जो कोरोना काल में बेहद कारगर और सटीक है, जो आसानी से ठाकुर कॉम्प्लेक्स स्थित 90 फीट रोड स्थित तांडव टी शॉप में मौजूद है, जिनके पास दर्जनों वैरायटी मौजूद है, जिनमें इम्यूनिटी बढ़ाने से लेकर शरीर को तरोताजा करने और मोटापा कम करने में बेहद कारगर है। हमने काफ़ी सारी बातों का ध्यान रखा है। उसके इससे हमारे पास आयुर्वेदिक दवाई मतलब चाय भी है, डिटॉक्सिंग चाय भी है, जिससे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो हमने जिंजर ये सब भी है, उससे भी हमारे लिए अच्छा है हेल्थ के लिए। तो सारी चीज़ें हमने ध्यान रखी है कि हेल्थ के लिए भी अच्छा रहे और पॉकेट बजट भी रहे। अमूमन जो चाय बनाने की क्वालिटी को लेकर बात की जाती है, किस तरह से बनाएंगे, लोगों को पेश कैसे करेंगे, लोगों को अच्छा कैसा लगेगा, प्रचार प्रसार के लिए क्या माध्यम आपने अपनाया, बताएं। हमने हाइजीन का तो पूरा ध्यान रखा है। जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, इसलिए हम लोग डिस्पोजेबल कप में देते हैं, वरना हमारी कंपनी के जो तांडव के हैं उनके कप्स आते हैं, हम उसमें देते हैं। सबको सैनिटाइज किया गया है अच्छे से। अंदर जो कुक है, जो बनाता है, वो भी अच्छे से वैक्सीनेटेड है, और उनको भी कहते हैं हाथ धो के सब चीज़ करके ही उनको चाय बनाते हैं। गैस का इस्तेमाल करते हैं या फिर नहीं, हमने गैस का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मशीन की चाय से और कॉफ़ी से एसिडिटी हो जाती है, इसलिए उस चीज़ का ध्यान रखते हुए हमने गैस का इस्तेमाल किया है, और वो बजट में आते हैं जो सब लोग पी सकते हैं। तांडव टी की खास बात यह है कि ये बिल्कुल हाइजेनिक तरीके से बनाई जाती है, बिल्कुल घरेलू नुस्खे के तौर पर गैस पर बनाई जाती है। बिना मिलावट के साथ बनाई गई कई रेसिपियां लोगों को बहुत पसंद आ रही है, जिनमें तांडव लेमन टी की डिमांड बहुत ज्यादा है। यहाँ की चाय मेरे को सब जगह से अलग लगी। तांडव नाम है, चाय पी के ही एकदम से मन बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है, लगता है तांडव किया जाए वाकई। मुझे तो चाय बहुत अच्छी लगी यहाँ की, और इतनी सारी वैरायटी है, मुझे तो लगता है कि इतनी वैरायटी तो मैं एक दिन में ले नहीं पाऊँगा। तो अभी मुझे कम से कम 7-8 दिन आना पड़ेगा रमेश जी के यहाँ पे अलग अलग चाय पीने के लिए। इनको यही कहना है कि इतने अच्छे तांडव चाय बनाएगा, तांडव करने के लायक यहाँ पे कुछ बना दो, एक स्टेज वगैरह, चाय पी के उसका असली मजा आएगा फिर। क्योंकि इसकी खासियत है कि जो मोटापा कम करना चाहते हैं और जो बॉडी की टॉक्सिक को बाहर निकालना चाहते हैं, उनके लिए बेहद फायदेमंद कारक है। सस्ते और लाभकारी होने के साथ तांडव टी की सभी रेसिपी पीने के साथ ही एक एनर्जी मिलने लगती है, जैसे मानो बॉडी में कोई नया ऊर्जा का संचार होने लगा है। कई ग्राहकों ने बताया कि तांडव टी का स्वाद बाकी स्टॉलों पर मिलने वाली चायों से बेहद स्वादिष्ट और फायदेकारक है। स्पेशल यही है तांडव टी कंपनी, ये फ्रेंचाइजी है जो कि ट्रेडिशनल हॉलिस्टिक एंड हेल्थ कॉन्शियस ड्रिंक है, और ये आम जनता को भी भाएगी। इसका स्वाद, इसका जो कॉस्ट है, वो आम जनता भी इसका सेवन कर सकती है। अमूमन मुंबई शहर में देखा जाता है, हेल्थ की बात आती है तो हेल्थ के लिए क्या क्या चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, बताइए। हेल्थ के लिए जैसे है कि कुछ लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, कुछ लोग डिटॉक्स लेना चाहते हैं, कोई लेमन टी लेना चाहते हैं, कोई आइस लेमन टी लेना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ का वैरायटी है ये, और साथ साथ में ये ट्रेडिशन भी है। तांडव जैसे कि शिव जी का है, तो पे एक ऐसा पे है कि जो आपको हिमालय से लेकर के हमारे कन्याकुमारी तक का है। कभी कभी ऐसा होता है नाम को लेकर तांडव का मतलब थोड़े नशे से थोड़ा सा रिलेशन हो जाता है, कुछ ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ मानवता है। दूसरी बात, मानवता का पे। एक बात और कि जब हम क्वालिटी देखते हैं तो थोड़े पैसे बढ़ जाते हैं, इस तरह की भी चीज़ें रखा गया ध्यान? इसके ऊपर पूरा ध्यान दिया गया है। हाँ, हम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़, भले ही हमारी जो प्रॉफिट मार्जिन हो मिनिमम हो, छोटी सी हो, लेकिन संतुष्टि मैक्सिमम होनी चाहिए। चाय पीने वाले जो शौकीन लोग हैं उनके लिए क्या संदेश है कैमरे की तरफ? बस अब मैं यही संदेशा देना चाहता हूँ कि आप आइए, हाँ, इसका स्वाद लीजिए, और अगर इसमें कोई भी
गलती है तो आप हमें चांस दीजिए सुधारने का। तांडव में कुल कितनी वैरायटीयां हैं? तांडव की यहाँ पर तो 11 फ्रेंचाइजी है जिसकी अनेकों वैरायटीज़ हैं, जो कि हम आए दिन में हम नए नए और देते जाएंगे। लेकिन सबसे जो महत्व है, जो कि एक साधारण आम चाहे वो रिक्शा वाला रहे या वर्कर रहे, वो तांडव चाय को पसंद करते हैं। ये ट्रेडिशनल है, कोरोना काल के लिए भी हाँ, ये इसमें बहुत सारे ये है आयुर्वेदिक तरीके का भी हम लोग चाय पेश करते हैं।